दोस्तों, क्या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या तैयारी करना चाहते हो? मन आपने बना लिया है, आप एक कॉरपोरेट जॉब में काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर या किसी और अच्छे सेक्टर में ऑलरेडी, और या फिर आप अभी कॉलेज में हो बट आपने तैयारी करनी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी है। आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री है या होने वाली है, जैसे कि बीटेक, एमबीए या इस टाइप की कोई भी डिग्री जिससे आपकी एक अच्छी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब लग सकती, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज इसे एंड तक देखना, क्योंकि इसमें एक सवाल हम पूछेंगे, एक सवाल का हम थोड़ा सा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तैयारी स्टार्ट करने से पहले या तैयारी करते टाइम एक बार आपको जरूर पूछना है कि क्या जो गवर्नमेंट जॉब है, क्या सरकारी जॉब की जो मैं तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं उसके लिए फिट हूं, क्या वो जॉब मेरे लिए सूटेबल है? ये क्वेश्चन एक बार जरूर पूछना, लास्ट में बताऊंगा क्यों। ओके, तो इसका एक जो जवाब बनता है, आप किस तरीके से उन पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हो। सी, एक पेपर पे आप लिख सकते हो कि आपका रीजन क्या है। तो अगर आप एक रिलेटिवली इजी प्रोफेशनल लाइफ चाहते हो कॉरपोरेट करियर से, कॉरपोरेट जॉब से भी, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सूटेबल। रिलेटिवली इजी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं होता, गवर्नमेंट जॉब में भी काम होता है। इवन कई पोस्टिंग्स में, कई स्टेट्स में, कई डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब में वर्कलोड काफी ज्यादा होता है। तो ये एक मिसकंसेप्शन हमें निकाल देना है कि काम नहीं होता। सिर्फ अगर आप इसलिए जाना चाह रहे हो तो अपने डिसीजन को फिर से रिकंसिडर। सैलरीज की अगर हम बात करें तो एवरेज टू अबव एवरेज सैलरीज होती हैं स्टार्टिंग में गवर्नमेंट जॉब में। हो सकता है कि आपको कॉर्पोरेट जॉब से ज्यादा ही सैलरी मिल जाए गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप अच्छे से तैयारी करो और एक अच्छी जॉब निकालो। ओके, बट ओवर द टाइम, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आपकी जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो फ्रेंड्स होंगे, जिन्होंने आईटी सेक्टर में या टेलीकॉम सेक्टर में या और जो सेक्टर्स आजकल आ रहे हैं डेटा एनालिटिक्स वगैरह में ज्वाइन करा होगा, कुछ टाइम के बाद आपसे बहुत ही ज्यादा सैलरी होंगी, और वो कुछ टाइम मतलब 3 4 साल या उससे पहले ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट जो ऑफिसेज होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिंपल होता है। आपके कॉर्पोरेट लाइफ या कॉर्पोरेट ऑफिसेज जो होते हैं उससे आप बिल्कुल कंपेयर मत करना। सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोग सिंपल होते हैं, उनकी बातें सिंपल होती हैं और दे आर हैप्पी। जो लोग आपको मिलेंगे उसमें से 50% से ज्यादा लोग आपको मिलेंगे जो कि हमारी हमसे पहली जनरेशन के लोग हैं, 50 ईयर्स में, 40 प्लस में, 50 प्लस में, या रिटायर होने वाले हैं इस टाइप से। सो देयर थिंकिंग इज डिफरेंट। तो आपको अगर ये चीज पसंद है, इफ यू आर एबल टू इंजॉय, देन इट्स ओके। शिफ्ट की बात करें, 9:30 to 5:30 की शिफ्ट होती है गवर्नमेंट ऑफिस में नॉर्मली। तो अगर आप ओके हो 9:30 to 5:30 में, ऑब्वियसली एक सिंपल वो रहता है, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। कभी कभी मे बी आपको बैठना पड़ सकता है जब ज्यादा टाइम, ज्यादा काम होगा, बट अदरवाइज 9:30 to 5:30 इफ यू आर ओके तो सही है। इफ यू आर रेडी टू वर्क विथ नो और वेरी लिटिल चैलेंजेस, इफ यू आर ओके विद इट कि आपको चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में, सिंपल लाइफ चाहिए, ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं चाहिए, तो आपके लिए है गवर्नमेंट जॉब। तो ये जो मैं पॉइंट्स में बता रहा हूं, ये पॉइंट्स आप नोट करो और इन पर सोचो कि इफ आई एम ओके विद इट और नॉट। ओके, उसके बाद जो मैं पॉइंट लेके आऊंगा ट्रांसफर्स या प्रमोशंस का। ट्रांसफर इफ यू आर ओके कि आपका किसी Tier 2 या Tier 3 सिटी में भी ट्रांसफर हो सकता है फ्यूचर में, या आपकी पहली पोस्टिंग पे, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए है। ओके, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा Tier 2 Tier 3 सिटीज में, वो आपका मेट्रो सिटीज की तरह तो होगा नहीं, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, इन सब की तरह नहीं होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम होगा, बट प्लस पॉइंट वहां पे जो रेट्स होंगे चीजों के, रेंट का और इन सब का चीप होगा, बट आपकी सैलरी भी Tier 2 और Tier 3 में सिटीज में कम हो जाती है, क्योंकि एचआरए वगैरह के जो कंपोनेंट्स हैं, टीए के जो कंपोनेंट्स हैं, वो कम हो जाते हैं। ओके, इफ यू आर ओके विद 5% सैलरी हाइक एवरी ईयर, आपका 2 से 3% तो भाई
3% तो आपकी सैलरी हाइक होती है, उसके बाद 2 बार आपका 2 से 3% डीए बढ़ता है, तो इफेक्टिवली आपकी 5 से 6% के करीब सैलरी हाइक होगी पर ईयर, बट फिक्स्ड सैलरी हाइक होगी, ऐसा नहीं कि किसी साल आपको ना मिले। ओके, तो इसके बाद इफ यू आर श्योर दैट यू वॉन्ट फील इन फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप फ्यूचर में आपको आप श्योर हो कि आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई 3 साल बाद 4 साल बाद कि मैं यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है, बट मैं नॉन टेक्निकल काम कर रहा हूँ, फाइलिंग वर्क कर रहा हूँ, ड्राफ्टिंग वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा फील नहीं हुआ तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए है, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स होंगे कॉर्पोरेट करियर्स में कुछ चैलेंजिंग काम कर रहे होंगे, मे बी अब्रॉड जा रहे होंगे, सैलरीज अच्छी खासी होंगी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होंगे, और उनके पास ग्रोथ के एक यू नो एवेन्यूज होंगे, वो जॉब स्विच करके अगर वो जॉब से खुश नहीं एक अच्छी जॉब में बेटर जॉब में जा सकते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके, राइट। और अगर हम बात करें कि भाई उनके जो वर्किंग आवर्स है वो उतने अच्छे नहीं होते, ज्यादा होते हैं यार, वो तो देखो चैलेंजिंग तो हर जगह होता ही है, इवन आपको कई बार ऐसा फील होगा कि आप कितना मोनोटोनस एक रिपीटेड सा काम कर रहे हो, उसका कोई आउटपुट निकल भी रहा है नहीं, आपको नहीं पता है कि उसका क्या आउटपुट है। ओके, तो ये चीजें। उसके बाद एक प्लस पॉइंट गवर्नमेंट जॉब का मैं ये बता देता हूँ कि आप अपनी हॉबीज कर सकते हो। सपोज आपको रीडिंग का शौक है या आपको हाइकिंग वगैरह का शौक है, तो आपके पास ज्यादा टाइम होगा एज कंपेयर टू अ कॉरपोरेट जॉब, बट ऐसा नहीं कॉरपोरेट जॉब में भी टाइम नहीं होगा, ये एक मिसकंसेप्शन है, कॉरपोरेट जॉब में भी टाइम होगा, आपके पास सैटरडे संडे है यार, और आपके पास ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट सेम होता है, आपके पास प्रोजेक्ट्स डिफरेंट और डायनामिक होती है लाइफ। ओके, और दूसरी चीज जैसे कि अभी हमने देखा पैंडेमिक में जो कॉरपोरेट जॉब्स हैं सब वर्क फ्रॉम होम हो गई थी, लोग अपने घर के कंफर्ट से काम अभी भी कर रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों से, ऐसा गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, आपको ऑफिस जाना ही पड़ता है, ये एक सिंपल फैक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो काम होता है वो घर से नहीं हो सकता, राइट, तो आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो ये सब फैक्ट्स हैं जिनको आपको एक बार कंसीडर करना है अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जॉब छोड़ने से पहले, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं यार कि मैं सरकारी जॉब की तैयारी करना चाहता हूँ और जॉब छोड़ना चाहता हूँ, इज इट अ राइट डिसीजन, तो ये सब चीजें सोचो मेरे भाई, क्योंकि क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में काम करता हूँ और बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आईटी बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉप के कॉलेजेस से हैं, मेरे साथ काम करते हैं, और भी डिपार्टमेंट्स में काफी लोगों को मैं जानता हूँ अपने एज के, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से काफी मिलते हैं या फिर सोशल मीडिया पे वैसे कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं। सो कई लोग दे आर अनहैप्पी क्योंकि उन्हें ये थोड़ा सा एक रिग्रेट फैक्टर आ जाता है कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं कहाँ पे हूँ, और सैलरीज क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, यू नो व्हाट आई एम गेटिंग, तो वो चीज़ नहीं लानी है। अगर आपको लगता है कि आप सही में खुश रहोगे, सिंपल सा आपका नेचर है, आपको अपने सिंपल चीज़ें पसंद हैं, आगे भी ऐसा ही रहेगा, तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए सूटेबल है और बहुत अच्छी है, तो कॉरपोरेट में मत जाना, अदरवाइज अपने डिसीजन को रीथिंक करना, यही मेरे इस वीडियो का उद्देश्य था। नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी ऐसी इनसाइट्स बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, क्योंकि अब मेरा चैनल इसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है, इसी गोल के लिए कि आप एक राइट करियर चॉइस बना सकें, और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, और अगर आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं हमारी उम्र के हमारी एज के, उनको कैसे अपस्किलिंग करनी चाहिए, उनको कैसे यू नो बी बी विद द टाइम्स वाली जो चीज़ होती है वो करनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों पे हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे। ओके, अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज डू थिंक, और कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करो, वील ट्राई टू आंसर। ओके, बाय, थैंक यू।